हेलो, मैं श्री फॉरऑल से शानू यश वाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस के लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बने रहेगा मेरे साथ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा आपको तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वो वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रीवियस के लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा आपको। और सब लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सीरियस होते हैं और थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ऐसा नहीं, मैं सारा जो चीज़ वीडियो बनाता हूँ मैं खुद से क्रिएट करता हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी कमज़ोरी व्यक्त करता हूँ, मैं ऐसा ऐसा नहीं है। मेरे पास टीम नहीं है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, क्योंकि मुझे इसलिए होता है कि मुझे ये होता है कि वीडियो क्लियर आ रही होगी या नहीं, क्योंकि कई बार मैंने वीडियो बनाया तो वीडियो ब्लर हो गया तो मेरी सारी जो मेहनत बेकार बेकार हो गई। बहुत ही बुरा लगता है, समय पूरा वेस्ट हो गया, क्योंकि वीडियो कभी ब्लर हो जाए तो मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। जब मैं फाइनली देखता हूँ तो वीडियो ब्लर रहता है तो साफ़ नहीं दिखता। इसीलिए थोड़ा सा मैं इस मन में ये भी रहता है पढ़ाते समय कि शायद वीडियो कहीं ब्लर ना हो जाए या फिर जैसे भी। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मेरा चैनल ग्रोथ कर रहा है और आप सबका प्रिय कमेंट से मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। और आप टेट जितने लोग निकले हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और आप मेंस के लिए भी आगे निकलेंगे, और वीडियो वाले जितने भी हैं और आगामी होने वाले परीक्षाओं के लिए आपके लिए भी ऑल द बेस्ट। मैं ज़रूर वीडियो के लिए भी अभी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आज ही शायद हो सकेगा तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूंगा। तो जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सूचकांक से इंडेक्स जो हमारे एक हर साल आते रहते हैं इंडेक्स, इससे क्वेश्चन श्योर है, एक क्वेश्चन ज़रूर पुटअप कर लिया जाता है हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। तो ज़रूर से ज़रूर इसे राइट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो शुरू करता हूँ, पूरा सुनिएगा जो मैं बोलूँगा, आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने सारे टॉपिक इतने जितने महत्वपूर्ण लगे मैंने सारे राइट डाउन कर दिए हैं, जितने डेटा मुझे महत्वपूर्ण लगे मैंने सारे राइट डाउन कर लिए जो आ सकते हैं। तो बने रहेगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ। पहला क्वेश्चन मैंने दिया है ये सूचकांक है, किसमें क्या सूचकांक है, भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान किसका है और अंतिम में कौन सा स्थान है, और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये संस्था भी मैंने लिखे हुए जो चुनिंदा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद, यहाँ पे मैंने 12 लिखे हैं। आप सोचेंगे इस 12 को कैसे याद करें, तो याद कैसे करना है आप डिवाइड कर लिए, दो दो करके याद कीजिए। एक दिन में दो याद करेंगे तो इजिली सारे याद हो जाएंगे, एक साथ याद करेंगे तो आप मिक्सअप माशअप हो सकता है। तो दो दो करके याद कीजिए तो 6 दिन में सारे याद हो जाएंगे। 12 मैंने यहाँ पे लिखे हुए जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, आप दो दो करके याद करेंगे तो ज़रूर याद कर लेंगे, एक दिन में दो याद करेंगे तो 6 दिन में सारे कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे मैंने पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कई बार क्वेश्चन में पूछे आ चुके हैं, हर जब भी करंट अफेयर के सेक्शन में आता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, सूचकांक यानी इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस को कितना फ्रीडम है, कितना स्वतंत्र है प्रेस वाले, भारत का कौन सा स्थान है इसमें, भारत का 136वां स्थान है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पूछा जाएगा भारत का क्या स्थान है, तो 136वां स्थान है। और पूछा जाएगा यानी भारत का थोड़ा सा इसमें अच्छा रैंक नहीं है, भारत का रैंक कितना है, 136। अगर पूछा जाएगा प्रथम स्थान पे कौन है, तो नार्वे है। तो प्रथम स्थान पे कौन सा है, नार्वे है। और पूछा जाएगा सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा है देश है, तो उत्तर कोरिया। तो अंतिम स्थान पे कौन सा देश है, तो उत्तर कोरिया है आपका। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस को कितने फ्रीडम है, तो इसमें भारत का स्थान 136वां है जो कि सही नहीं है। पूछा जाएगा प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो नार्वे है। और अंतिम स्थान पे कौन है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जानते ही, तानाशाही है, ऑटोक्रेसी है वहाँ पे, तो इसीलिए सबसे अंतिम वहाँ पे प्रेस वाले को, मीडिया वालों को इतना फ्रीडम नहीं मिला है, तो उत्तर कोरिया का अंतिम स्थान आता है। अब पूछा जाएगा इसको जारी कौन करता है, पब्लिश कौन करता है, तो इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक संस्था है जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को पब्लिश या जारी करती है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 136वां, प्रथम स्थान किसका है, नार्वे का, सबसे अंतिमवा स्थान किसका है, उत्तर कोरिया का, इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व का मतलब ग्लोबल प्रसन्नता यानी खुशी या प्रसन्नता, हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं, और सूचकांक यानी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स या विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 133वां स्थान है। इसमें भी भारत थोड़ा सा पीछे है, इसमें थोड़ा सा
भारत को थोड़ा सा इसमें आगे आना होगा। नेक्स्ट पूछेगा प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। तो पूछेगा विश्व प्रसन्नता सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 133वां स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन है, फिनलैंड है। अंतिमवें स्थान पे कौन है, तो बुरुंडी है, बुरुंडी है। और इसका स्थान क्या है, सबसे अंतिम में है, तो 156वां, 156 देशों का ये सूची निकली जारी हुई थी रैंक, जिसमें भारत का 133वां स्थान है। प्रथम स्थान पे फिनलैंड रहा है जो कि पिछले वर्ष भी रहा था, और लास्ट स्थान में बुरुंडी है जिसका स्थान है 156वां। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कैसे याद करेंगे प्रसन्नता, अब प्रसन्न कैसे हैं, प्रसन्न का मतलब था फन, फन मजा करते हैं, जब प्रसन्न होंगे तभी आप फन करेंगे जब प्रसन्न होंगे, तो फन से निकलेगा फिन, फन से क्या निकलेगा, फिनलैंड। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का 133वां, तो तब प्रथम स्थान फिनलैंड और लास्टवां स्थान बुरुंडी, जिसका स्थान क्या रैंक दिया गया है, 156वां। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको देख के ही लग रहा होगा, विश्व शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक रहा है, तो भारत का 136वां रैंक रहा है। पूछा जाएगा सबसे पहला स्थान किसका रहा है, इसमें भी भारत का थोड़ा सा सही नहीं है रिपोर्ट। तो विश्व शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का 136वां रैंक रहा है। तो सब पूछेगा भारत का कौन सा रैंक है, तो 136वां पे टिक लगाएंगे। ये 2018 का रिपोर्ट है, इंडेक्स किसका है, 2018 का है। अब पूछा जाएगा कि विश्व शांति सूचकांक में भारत का तो 136वां स्थान है, प्रथम पे तो आइसलैंड है, लेकिन अंतिम में कौन सा स्थान है, तो नो एनी डाउट, जानते हैं सीरिया में कितनी लगातार यहाँ पे शांति तो भंगी होती आ रही है, काफ़ी लोग मार दिए जा रहे हैं यहाँ पे, तो सीरिया का अंतिम स्थान है। तो विश्व शांति सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा देश है, तो आप सीरिया लगाएंगे। भारत का कौन सा स्थान है, तो 136वां स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन रहा, आइसलैंड। देखिए आइस का मतलब देखिए शांति है, और शांति ऐसे महेंद्र सिंह धोनी को कूल कैप्टन बोला जाता था, कूल बोला जाता था, कूल मतलब आइस, आइस कैसा होता है, आइस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, आइस कैसा होता है, बर्फ़ यानी कूल होता है, कूल रहेंगे तब आप तभी तो आप शांत रहेंगे, तो शांत मतलब शांति। तो विश्व शांति सूचकांक में प्रथम स्थान आइसलैंड, आइस मतलब बर्फ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बहुत ही आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ पे डूइंग बिजनेस इंडेक्स, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सूचकांक, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। भारत ने बहुत अच्छा रिकवर किया है, 100वां स्थान है इस बार, इसे मतलब अगर रैंक कम होगा तो स्थिति अच्छी होगी, ये भी समझिएगा, रैंक कम होगा तो स्थिति अच्छी होगी, रैंक बहुत ज़्यादा होगा तो उस स्थिति जो होगी, कंडीशन जो होगी उतनी ही दयनीय। तो रैंक थोड़ा सा कम है, पहले और भी ज़्यादा था, तो अगर कम होगा तो अच्छी स्थिति दर्शाता है, रैंक का कम होना अच्छी स्थिति। तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सूचकांक में भारत का सेंचुरी यानी 100वां स्थान है। सेंचुरी याद कर लिए, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट मतलब आप भारत में कोई देश आके अगर अच्छे से बिजनेस कर ले कर सकता है, तो भारत का स्थान किसमें रैंक अलॉट किया गया, 100वां रैंक अलॉट किया गया। पूछेगा प्रथम स्थान पे कौन है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, तो आपका न्यूजीलैंड है। सबसे पूछेगा अंतिम स्थान किसे दिया गया, तो सोमालिया का। तो समझ में आ रहा होगा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सर्वप्रथम पे कौन है, सबसे पहले पे कौन सा है, तो आप न्यूजीलैंड है, वहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छे से किया जा सकता है, कोई भी देश उस देश में यानी न्यूजीलैंड में जाएगी तो बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है। भारत में कौन सा स्थान है, 100वां स्थान है, सबसे अंत में, बिजनेस के विपरीत है, वहाँ पे बिजनेस के लिए बड़ा विपरीत है, अनुकूल नहीं है, तो सोमालिया में, क्योंकि बहुत ही खराब नीचे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जो कि आपको बहुत ही लग ही रहा होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करप्शन जिसे बोलते हैं भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पूछा जाएगा भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का 81वां स्थान है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, रैंक है, तो भारत का 81वां रैंक है। पूछा जाएगा करप्शन में सबसे कम करप्शन कहाँ पे है, तो आपके न्यूजीलैंड देश में। तो याद रखिएगा सबसे कम जो करप्शन पाई जाती है वो आपके न्यूजीलैंड में है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए करप्शन है तो इसका फिर से स्थान है सोमालिया का। और इसका रैंक क्या है इसमें करप्शन मतलब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, तो 180वां स्थान है। तो पूछेगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन सा है, मतलब न्यूजीलैंड, मतलब करप्शन के मामले में सबसे
कम में है, यहाँ पे करप्शन बिल्कुल नहीं है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे करप्शन है तो सोमालिया, इसको कितना रैंक दिया गया है, 180 यानी 180। क्वेश्चन पूछाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 स्टार लगा दिएगा, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है, वैश्विक ग्लोबल हंगर मतलब भुखमरी और इंडेक्स मतलब सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का 103 स्थान रहा है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, भारत का वैश्विक भुखमरी सूचकांक जिसे बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, भारत में 103 स्थान रहा है, और प्रथम स्थान किसे दिया गया है, बेलूरस, यानी सबसे प्रथम स्थान किसे दिया गया है, बेलूरस, यानी यहाँ से भूख से मरने वाला, हंगर मतलब भुखमरी, हंगर मतलब क्या होता है, भुखमरी, भूख से मरने वाले हैं भारत के, दयनीय स्थिति, इस पर बहुत ही वर्क करना पड़ेगा, सरकार इस पर बहुत ही चिंतन करती है, लेकिन इनको और भी अच्छे से देखना होगा, और भारत का 103वां स्थान है जो थोड़ा सा हमारे रैंक और भी नीचे आई है, और इस पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा सरकार को। पूछाएगा प्रथम स्थान पे कौन है, बेलूरस है, यानी यहाँ पे भूख से मरने वाली संख्या कम है, बेलूरस की सबसे अच्छी रैंक है, नंबर 1 है। पूछेगा सबसे ख़राब रैंक किसकी है, तो सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे दयनीय स्थिति में सबसे नीचे रैंक किसको मिला गया है, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक को मिला है, कितना रैंक मिला है, 119, यानी 119 देशों की रैंक में, कुल 119 देशों का रैंक निकाला गया, जिसमें सबसे नीचे सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक है, और सबसे अच्छा स्थान, पहला स्थान किसे दिया गया है, बेलूरस को दिया गया, और भारत का कौन सा स्थान है, 103। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भारत की अच्छी कंडीशन है, आपको यकीन नहीं होगा, रहने के लिए सस्ता देश, देखिए यहाँ पे मैंने बोला ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन मतलब जारी करती है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आपको IFPRI कौन स्थापित करती है, IFPRI मतलब इंटरनेशनल फूड, पी फॉर पॉलिसी, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इंस्टीट्यूट, इफ्पिरी करती है IFPRI, इंटरनेशनल एफ फॉर फूड, पी फॉर पॉलिसी, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इंस्टीट्यूट, तो IFPRI इसको जारी करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, रहने के लिए सबसे सस्ता देश कौन सा है, तो रहने के लिए सबसे अच्छा सबसे सस्ता देश पहला प्रथम स्थान किसे दिया गया, ये देखिए प्रथम स्थान की ये कॉलम है, साउथ अफ्रीका, तो रहने के लिए सबसे सस्ता देश यकीन नहीं करेंगे साउथ अफ्रीका है, और दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है हमारा देश है जो कि सबसे सस्ता देश है, ये है रिपोर्ट आई है। पूछाएगा सबसे महंगा, अगर सबसे नीचे जो होगा सबसे ख़राब जो रैंक होगी, तो सबसे नीचे यानी सबसे महंगा देश होगा, तो बरमूडा सबसे महंगा देश है, तो सबसे सस्ता देश कौन सा है, साउथ अफ्रीका, दूसरे नंबर पे हमारा देश है, और सबसे महंगा देश कौन सा है, बरमूडा, और कुल इसमें बरमूडा का रैंक कितना रहा है, तो 112वां रहा है, तो बरमूडा का रैंक कितना रहा है, 112वां रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, यानी सबसे महंगा देश, यानी कुल 112 देशों की सूची निकाला गया जिसमें भारत का दूसरा स्थान रहा, प्रथम स्थान पर साउथ अफ्रीका, और सबसे अंतिम स्थान पर 112वीं रैंक पे बरमूडा रहा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जिसे बोलते हैं, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, सूचकांक मैंने नहीं लिखा है, बार बार रिपीट होगा, आप लिख लीजिएगा, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का अगर पूछा जाए कौन सा स्थान है, तो आप 130 पे लगाइएगा, तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 130वां स्थान रहा है। सबसे प्रथम स्थान पर हांगकांग रहा है, बहुत ही अच्छा है इसका प्रदर्शन है इस बार वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, हांगकांग प्रथम स्थान पर, और सब पूछा गया सबसे नीचे स्थान पे कौन सा है, तो उत्तरी कोरिया, जो किंग जोंग उसके तारा सामने आते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा सबसे खराब जन्मजात मृत्यु दर, सबसे खराब जन्मजात मतलब जन्मजात जैसे जन्मे बच्चा है, जैसे जन्म लिया बच्चा, जन्मजात मतलब जैसे जन्मा और तुरंत मर गया, तो सबसे ख़राब कंडीशन मतलब पूछा गया भारत का कौन सा रैंक है इसमें, तो भारत का इसमें 12वां रैंक है, तो सबसे ख़राब जन्मजात मृत्यु दर में भारत का रैंक किस कौन सा दिया गया, 12वां, और सबसे प्रथम रैंक किसको दिया गया, जापान, यानी सबसे ज़्यादा जो जहाँ बच्चे पैदा जन्म जैसे लेते हैं मर जाते हैं, जैसे जन्म होता है बच्चों का मर जाते हैं, तो वो जापान है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और भारत को भी इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, भारत का रैंक 12वां देश ऐसा है जहाँ भारत 12वां देश ऐसा बना जहाँ पे जन्म लेने के बाद बच्चे अधिकांश मर जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ मरते हैं, आपके जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा अच्छा इसको कौन करता है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट आपके यूनिसेफ, UNI मतलब यूनिसेफ, यूनाइटेड, यू फॉर यूनाइटेड नेशन
चिल्ड्रेंस फंड, तो पूछाएगा कि जन्म जात मृत्यु दर को जारी कौन करता है, कौन सी संस्था? तो जन्म जात मृत्यु दर को जारी यूनिसेफ करती है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड करती है, जिसमें भारत का 12वां स्थान रहा है और जापान सबसे पहला, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे बच्चे अधिकांश मर जाते हैं जन्म लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा अमीर देशों की सूची में, अमीर देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? उम्मीद नहीं हुआ आपको, भारत का 6वां स्थान है, अमीर देशों की सूची में भारत का 6वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रथम स्थान कौन सा, सबसे अमीर देश कौन सा है? तो आपका USA है। गरीब तो सबको पता है भूटान, सबसे गरीब देश किसको माना गया है? भूटान को रखा गया है। तो बताइए अमीर देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, यानी भारत 6वां सबसे बड़ा अमीर देश है, और सबसे अमीर देश कौन सा है? USA, और सबसे गरीब देश कौन सा है? आपका भूटान है। अब पूछाएगा इसको जारी कौन करता है, सबसे अमीर देशों की सूची, तो इसको जारी किया था न्यू वर्ल्ड हेल्थ ने जारी किया था। तो सबसे अमीर देशों की सूची को जारी किसने किया? न्यू वर्ल्ड हेल्थ ने जारी किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दो क्वेश्चन जो कि पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ ये सूचकांक दिया जाता है, वैश्विक शहरी वायु प्रदूषण। वैश्विक मतलब पूरे विश्व में किस शहर का, शहरी मतलब किस शहर का वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है, तो उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का स्थान 14वां रहा है। 14 सबसे ज़्यादा पूछा गया भारत का कौन सा स्थान रहा है, भारत का पहला स्थान है, मतलब समझ रहे हो पहला स्थान भारत को दिया गया है। यानी सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण किस देश में होता है, तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण इस समय वर्तमान में आपके भारत में है, तो भारत का ये है प्रथम स्थान भारत ने पाया है, जो कि बहुत दयनीय है, बहुत ही गड़बड़ है ये स्थिति। पूछाएगा भारत में के कितने शहर इससे प्रभावित हैं, तो भारत के, ये भारत का कॉलम है, भारत के 14 शहर वायु प्रदूषण से पूर्णतया सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसमें दिल्ली जो हमारे भारत की राजधानी है सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो 14 शहर को सबसे ज़्यादा वायु पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट घोषित किया गया, वायु प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जिसमें 14 शहर हैं। तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण किस देश में है, तो भारत में। क्वेश्चन पूछेगा इसको कौन शहरी वायु प्रदूषण को कौन पब्लिश किया, तो सबको पता है आपको एक संस्था है WHO, W फॉर वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जानते होंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, WHO का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपका। लास्ट में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का पूछा है कौन सा रैंक है, 177 है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 177 रैंक है। पूछा है सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा है, पर्यावरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा रहा, तो स्विट्जरलैंड रहा। सबसे खराब रैंक देश कौन सा रहा पर्यावरण को प्रदर्शन सूचकांक में, तो बुरुंडी रहा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। श्योर आप राइट डाउन ऐसे कर लीजिएगा, टू टू करके याद कीजिएगा, ज़रूर हमको कवर होता जाएगा ये, ज़रूर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसकी एक इसको जारी कौन करता है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन के लिए कौन सा एक इंस्टीट्यूट जो जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो भ्रष्टाचार करप्शन धारणा सूचकांक, यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये ट्रांसपेरेंसी से निकले पारदर्शिता होना चाहिए, तो ये इस इंस्टीट्यूट का नाम इसीलिए रख दिया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर मैंने ये नहीं बताया विश्व प्रसन्नता सूचकांक को जारी कौन करता है, तो यू फॉर यूनाइटेड एंड फॉर नेशन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो पूछा जाएगा आपका विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का 133वां स्थान है, खुश रहेंगे तो फिन से निकल रहा है फन, तो फन से याद आ जाएगा फिनलैंड सबसे प्रथम स्थान पे, सबसे खराब स्थिति बुरुंडी का है जो कि 156वां है। पूछा गया इसको जारी कौन करता है विश्व प्रसन्नता सूचकांक को, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच।